व्हाट्सअप गाइस, दिस इज टेक्निकल वॉलेट। तो गाइस, अगर आपके पास भी आईफोन 6s है और इसमें भी आपको गूगल पे की कोई प्रॉब्लम हो रहा है पेमेंट करने में या कोई भी इशू हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप जान पाओगे अगर आपका कोई प्रॉब्लम और इशू हो रहा है तो इसको कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा नाम है जयसोई, आप देख रहे हैं टेक्निकल वॉलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं अभी रिसेंटली ही अपल स्टोर से जाके यहाँ पे जो गूगल पे को इंस्टॉल किया हूँ फ्रेशली। तो अभी चलिए देखते हैं, इसको न्यूली प्रोसेस कर करके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आता है जिसके वजह से आपका जो गूगल पे में पेमेंट वगैरह में इशू होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको शॉर्ट आउट करके आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे चलिए हम चलते हैं अभी हमारा जो गूगल पे पे। तो मैं यहाँ पे आपको हमारा जो डिस्प्ले को यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे आपको लगा दूंगा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे है, तो इसको चलिए ऑन कर लेते हैं। मेरा भी दोस्तों कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तो अभी मैं इसको अभी ही इंस्टॉल किया हूँ फ्रेशली। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अलाउ मांग रहा है, तो अलाउ दे दिया मैंने। और यहाँ पे क्या मांग रहा है, क्लोज स्क्रीन शेयरिंग। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे मैं मेरा जो वीडियो यहाँ पे शूट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको मेरा जो कैमरा पे आपको दिखाऊंगा क्या हो रहा है। तो ये अपल का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे आप मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस वगैरह ओपी वगैरह यहाँ पे डाल नहीं सकता। इस डिश में जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसको मैं मेरा इस कैमरा में रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरा कैमरा में। तो दोस्तों अभी मैं मेरा जो बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक था उसको डालने के बाद यहाँ पे इस वाले प्रोसेस पे आ चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ओटीपी वगैरह डाल के यहाँ पे उसका डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ जो गूगल पे का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको अभी यहाँ पे ऐड अकाउंट कर देते हैं। ऐड अकाउंट के बाद मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे शो किया, तो अभी चलिए जो मैसेज होता है UPI के लिए उसको यहाँ पे डाल देते हैं मैसेज के लिए। तो यहाँ पे नहीं हो पाया, कुड नॉट सेंड SMS, और एक बार रिट्राई कर देते हैं यहाँ पे। तो रिट्राई के ऊपर डाल दिया और एक बार सेंड कर देते हैं। तो ये भी प्रोसेस हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शायद हो जाएगा, फाइंडिंग बैंक अकाउंट अभी शो कर रहा है। हाँ गाइस, अभी हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट था, तो यहाँ पे आ गया। अभी कार्ड नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे कार्ड नंबर की जो लास्ट 6 digit यहाँ पे डाल देता हूँ। वैलिडेशन डेट यहाँ पे डाल देते हैं, कब तक ये वैलिडिटी है हमारा कार्ड का। तो ये हो गया, अभी क्रिएट पिन के ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पे जनरेट हो रहा है UPI ID हमारा। तो यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ 6567। तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद हमारा जो UPI PIN यहाँ पे डाल देते हैं, देन उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। हाँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा राइट यहाँ पे हो गया, राइट क्लिक हो गया, बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे ऐड हो गया गूगल पे पे। तो अब तक तो सही सही में सब कुछ हो रहा है। तो अभी देखते हैं एक पेमेंट करके, पेमेंट करने के बाद ये सही से पेमेंट हो पा रहा है या नहीं, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या, चलिए अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैं एक UPI ID यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे एक्सेस मांग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड वगैरह में पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं एक पेमेंट ट्रांसफ़र करके यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र हो पाता है या नहीं सक्सेसफुली। तो अभी चलिए डाल देते हैं कि UPI ID को यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, उसके बाद सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद पे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 1600 अभी सेंड करने वाला हूँ मैं। तो अभी चलिए यहाँ पे राइट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, पे के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, बाद गो परमिशन अभी मांग रहा है, लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, उसको अलाउ कर दीजिए, अलाउ वंस, एंड देन उसके बाद एंटर UPI PIN शायद हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो UPI PIN अभी डाल दिए, सबमिट कर दिए। तो देख सकते हैं गाइस, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे ट्रांसफर ID वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिखा देता हूँ। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे शो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हो गया गूगल पे पे।
एंड UPI ID का पेमेंट भी यहाँ पे हो सकता है, कोई इशू नहीं है iPhone 6s पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे इसका बैक करके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने पेमेंट किया यहाँ पे उसका ट्रांसफर हिस्ट्री भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफ़र भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह डाल के, IFSC कोड डाल के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं ये हमारा गूगल पे पे सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हो गया, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं हुआ iPhone 6s पे। तो दोस्तों ये था हमारा जो iPhone 6s पे गूगल पे काम करता है नहीं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर दोस्तों इस वीडियो आपका थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टैक्स से रिलेटेड ट्रिक वीडियो और टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो पहले देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टू टेक्निकल वॉलेट।